ज्ञान देव होस्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल ज्ञान देव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बैल के आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वेस्ट बंगाल ICDS सुपरवाइजर सिलेबस 2019 के बारे में और साथ ही मैं आपको उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, जानकारी देने से पहले मैं आपको इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात बता दूँ कि अभी तक इसका ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न अनाउंस हो चुका है जो कि इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर दिया गया है, जिसके माध्यम पे मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन जो मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूँ वो उसका एक्सपेक्टेड यानी कि अनुमानित सिलेबस होगा, जिसको आप लास्ट ईयर का जो एग्जाम था उसका सिलेबस भी बोल सकते हो, और मेरे अकॉर्डिंग वो आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो चलिए अब मैं आपको उसके बारे में कंप्लीट जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में बताने से पहले मैं आपको इस भर्ती के शॉर्ट ओवरव्यू के बारे में जानकारी दे देता हूँ। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वेस्ट बंगाल डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में WBICDS बोलते हैं। पोस्ट नेम फीमेल सुपरवाइजर की है, यानी कि जो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे उनकी नियुक्ति इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगी, क्योंकि इसी ने यह भर्ती ऑर्गेनाइज की है। टोटल पोस्ट 2954 है, यानी कि इसके अंदर कुल 2954 पद निकाले गए हैं। लोकेशन ऑफ द जॉब वेस्ट बंगाल है, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद आपकी पोस्टिंग वेस्ट बंगाल के अंदर होगी। एडवर्टाइजमेंट इश्यू डेट 7 मार्च 2019 है। टाइप ऑफ जॉब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जॉब्स, दोस्तों ये भर्ती वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जॉब्स के अंतर्गत आती है। स्टार्टिंग डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 14 मार्च 2019 है। लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 16 अप्रैल 2019 है, यानी कि 14 मार्च से लेकर 16 अप्रैल 2019 तक आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो। एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, यानी कि आप इसमें सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर पाओगे, ऑफलाइन माध्यम से आप आवेदन नहीं कर सकते। सिलेक्शन मोड द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, रिटर्न एग्जामिनेशन एंड वीवा वॉइस टेस्ट, जिसके बारे में मैं आपको अभी इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट PSC WBApplication.in, इसी वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर पाओगे। दोस्तों, अब मैं आपको उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी देता हूँ जो कि इसका ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न है। सबसे पहले मैं आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में बता देता हूँ, यानी कि किस प्रकार का आपका एग्जामिनेशन रहने वाला है। इसके पहले मैं आपको फेज बता देता हूँ। पहला जो आपका, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। रिटर्न एग्जामिनेशन होगा जो कि कन्वेंशनल टाइप रहेगा, और वीवा वॉइस टेस्ट, जिसको आप इंटरव्यू भी बोल सकते हो। दोस्तों, अब मैं आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम पैटर्न के बारे में बताता हूँ जो कि पार्ट वन है। इसके अंदर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे। एन एग्जाम इज 400 मार्क्स, और ये एग्जाम 100 मार्क्स के लिए रहेगा। नो ऑफ एग्जामिनेशन क्वेश्चन कम इन द एग्जाम इज 100 क्वेश्चन, यानी कि जो आपके एग्जाम के क्वेश्चन होंगे उसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे, और ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, और जो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। अब पार्ट टू आता है रिटर्न एग्जामिनेशन। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि कैसा आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। दी एग्जामिनेशन इज कन्वेंशनल टाइप, यानी कि कन्वेंशनल टाइप एग्जाम रहेगा। टोटल मार्क्स विल बी फॉर 400, यानी कि इसके लिए आपको 400 मार्क्स दिए जाएंगे। कैंडिडेट्स हु गेट क्वालिफाई इन द प्रिलिमिनरी एग्जाम ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट विल बी कॉल्ड फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन, यानी कि जो लोग प्रिलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे मेरिट लिस्ट के आधार पर, उनको ही सिर्फ रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। पार्ट थ्री आता है वीवा वॉइस टेस्ट। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एप्लीकेंट्स हु गेट क्वालिफाई इन द रिटर्न एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द मेरिट विल बी अलाउड टू अटेंड दी वीवा वॉइस टेस्ट, यानी कि जब आपका प्रीलिम होगा उसके बाद आपकी मेरिट लगेगी, और जो मेरिट क्वालिफाई कर जाएंगे उनका रिटर्न एग्जाम होगा, और जो लोग रिटर्न एग्जाम मेरिट लिस्ट के आधार पर क्वालिफाई कर जाएंगे उनका फिर वीवा वॉइस टेस्ट होगा। दी वीवा वॉइस टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर 60 मार्क्स, और ये 60 मार्क्स के लिए रहेगा। अब मैं आपको यहाँ पर नोट करके कुछ जानकारी दी गई वो आपको बता देता हूँ। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी मेड ऑन द टोटल मार्क्स ऑब्टेंड इन द पार्ट वन एंड पार्ट थ्री, यानी कि जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके पार्ट टू और पार्ट थ्री के आधार पर बनाई जाएगी। जो लोग पार्ट टू में अच्छे नंबर है और पार्ट थ्री में अच्छे नंबर लाएंगे उनको ही सिलेक्ट किया जाएगा। अब दोस्तों, मैं आपको उसके सिलेबस के बारे में बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था कि जो इसका एग्जाम पैटर्न है वो इसका ऑफिशियल है, जो कि ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न के अंदर दिया गया है, लेकिन अभी तक इसका ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है। जो मैं आपको अभी सिलेबस बता रहा हूँ आप इसको एक्सपेक्टेड या लास्ट एग्जाम का सिलेबस बोल सकते हो, और मेरे अकॉर्डिंग जैसा कि मैंने आपको बताया, ये
यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा, इसलिए मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ ताकि आप अपनी प्रिपरेशन ना रोको और आप अपनी प्रिपरेशन लगातार करते रहो। अगर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस होता है तो मैं, अगर उसमें कोई चेंजेस होता है तो मैं एक अलग से वीडियो बना करके उसके बारे में बता दूंगा। अगर उस सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं होता है तो आप इसी वीडियो के माध्यम से जो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ प्रिपरेशन कर सकते हो। तो चलिए पहले मैं आपको जो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ का सब्जेक्ट है इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों आपका जो पहला टॉपिक्स है वह है न्यूट्रिशन, द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ, प्रेगनेंट केयर, वैकेशंस, वेरियस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, मेलन्यूट्रिशंस, इन्फॉर्मेशन ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, जो अभी मैंने आपको ये टॉपिक्स बताई है ये न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सब्जेक्ट होगा उसके जो क्वेश्चन होंगे वो आपके इन टॉपिक्स के टॉपिक्स से बनाए जाएंगे, यानी कि इन टॉपिक्स के अंदर से आएंगे। दोस्तों मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो अगर कहीं पर मुझसे प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों अब मैं आपको अगले सब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ जो कि जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग एबिलिटी। इसके अंदर जो टॉपिक्स है वो मैं आपको बताता हूँ, प्लानिंग ऑफ जनरल नॉलेज डिपार्टमेंट्स, रूल्स एंड राइट्स, जनरल नॉलेज ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जनरल मैथमेटिक्स, 8 क्लास स्टैंडर्ड, सिंपल रीजनिंग एबिलिटी। दोस्तों आपका जो अगला सब्जेक्ट है वो है मैनेजरियल क्वालिटीज। अब मैं इसके आपको टॉपिक्स के बारे में बताता हूँ, लीडरशिप डेवलपमेंट, लीडरशिप क्वालिटीज, एटीट्यूड्स एंड स्किल्स, इंटरनल गवर्नेंस, कोऑर्डिनेशन, ग्रुप वर्क, टीम वर्क, मैनेजिंग द टीम मेंबर्स, अंडरस्टैंडिंग दियर एबिलिटीज, कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग स्किल्स बेस्ड ऑन टू एंड रीड पैसेज, डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट एंड द मेन चैलेंजेस, 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान्स, कॉन्टेम्प्रेरी सोशल चैलेंजेस एंड कंसर्न्स। दोस्तों आपका जो अगला सब्जेक्ट है वह है एलिमेंट्री केयर एंड एजुकेशन ऑफ चाइल्ड। इसके टॉपिक्स के बारे में आपको बताता हूँ, इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन टू प्री स्कूल एजुकेशन, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन। दोस्तों आपका जो अगला सब्जेक्ट है वह है डेफिनेशन मीडियम नेचर एंड बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। इसके अंदर जो आपके टॉपिक्स आते हैं वह कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोबिलाइजेशन, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, दिस साइंस ऑफ कम्युनिटी एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। दोस्तों आपका जो अगला सब्जेक्ट है वह है जनरल एप्टीट्यूड और इसके अंदर जो आपके टॉपिक्स आते हैं वह है परसेंटेजेस, इन्वेस्टमेंट, बार ग्राफ, एरिया, टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड वर्क, एचसीएफ एंड एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉब्लम ऑन एजिस, प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों आपका जो अगला सब्जेक्ट है वह जनरल इंग्लिश और इसके अंदर जो आपके टॉपिक्स है वह फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, सिनोनियम्स, होमोनियम्स, स्पॉट द एरर, एंटोनियम्स, वोकैबुलरी, वर्बल कंप्रेशन, पैसेज, एडजेक्टिव्स, क्लोजेज, स्पेलिंग्स, आइडम्स एंड फारसिस, डिटेक्टिंग मिस स्पेल वर्ड्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वर्ब्स इंप्रूवमेंट, पैसेज। दोस्तों ये था आपका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस सिलेबस से संबंधित या जो आपको मैंने डिटेल्स बताई है एग्जाम पैटर्न के बारे में या आपको इस भर्ती से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप इस भर्ती के बारे में कुछ सुझाव देना चाहते हो या कहीं पर आपको कोई मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत लगी हो तो उसके लिए अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे सुझाव दे सकते हो। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कमेंट के अंदर गाली मत दीजिए क्योंकि गाली बिल्कुल अच्छी बात नहीं है और उसके लिए यूट्यूब पर भी फर्क पड़ता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप गाली मत दीजिएगा, अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप दे सकते हो। और एक बार फिर से मैं इस वीडियो को लास्ट में ही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बैल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूले क्योंकि उसी से आपको आगे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएंगे।